तेने जाने तामे ओड़खो सेवो ये हाजिर इमाम के पाक और मुबारक नाम पर इश्कर्मा बस से सलवात पर दिनदारो हजरत इमाम सरकार सुल्तान मशिया मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। मौलाना सुल्तान मशिया एक मरतबा रंगून बर्मा जमात के साथ में बैठे हुए हैं और अलवाइज पीर मोहम्मद हुसैनी मरहूम, जो मुझे लगता है माजी में पाक के अंदर अफ्रीका भी आ चुके थे, वो अलवाइज उनके पास बैठे हैं। मौलाना सरकार सुल्तान मुशा अलवाइज हुसैनी पीर मोहम्मद से कहते हैं कि देखो अलवाइज, तुम्हें पता है कुरान के अंदर कौन सी ऐसी आयात है जिसमें अल्लाह ने ये बताया है कि उसका जो नूर है, उसकी जो डिविनिटी है, वो जाहिर के अंदर है। तो अलवाइज ने हुसैनी पीर मोहम्मद ने ये आयात सुल्तान मुशा के सामने रिसाइट की, जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, तिलावत की। और अब जमात की दुआ से मालिया हसीना के अंदर जब मौलाना पाबी सिल्वर जुबली के मौके पे तशरीफ लाए और मुझे तिलावत का मौका मिला, उस वक्त
मैंने मुझे यशस्व सन ने ये आयात के लिए कहा था, या अय्युहन्नास कद जाअकुम। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ लोगो, हमने तुम्हारे तरफ एक जाहिर नूर को भेजा है, या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। हमने आपके तरफ एक जाहिर नूर को, एक सबूत को तुम्हारे तरफ हमने भेजा है। मिश्री हुसैन पीर मोहम्मद ने ये आयात पढ़ी और सुल्तान मुशा फरमाते हैं, बिल्कुल सच है अलवाइस, बिल्कुल सच है। यही आयात जिसमें अल्लाह ने अपना नूर जो है वो जाहिर होने की बात की है। देखो अलवाइस, अगर नूर जाहिर ना होवे तो लोग हिदायत लेने किसके पास जावे, लोग गाइडेंस लेने किसके पास जावे। और बाद में मौलाना सुल्तान मुशा फरमाते हैं, देखो अलवाइज, ये दुनिया है एक बागीचा है, गार्डन है, और इमाम है वो मौसम बहार है, वसंत ऋतु है। देखो अलवाइज, मौसम खिजा आती है, गुजराती में जिसको हम पानखर ऋतु कहते हैं, जो पत्ते गिर जाते हैं जार के ऊपर से, ठंडी की सीजन आती है। तो मुल्ला फरमाते हैं कि देखो मौसम खिजा आती है तो पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन जब मौसम बहार वसंत ऋतु होती है तो गार्डन खिल उठता है। देखो अलवाइज, इमाम इस दुनिया के अंदर मौसम बहार की तरह है, एक वसंत ऋतु की तरह है। अगर इमाम इस दुनिया के ऊपर से हट जावे तो ये दुनिया के ऊपर पानखर ऋतु हो जावे और दुनिया खत्म हो जावे, मौसम खिजा आ जाए। और माडागास्कर के अंदर सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, ये फरमान छपा हुआ है कलाम मुबीन पार्ट टू के अंदर, कि अगर एक मिनट माटे पर इमाम पोतानो पग दुनिया ऊपर से हटा भी लिए तो आ जगत रस्ता तार थी जाए, एना साजो सामान भी साथे रस्ता तार थी जाए। तो इमाम और ये जो दुनिया है, कायनात है, उसका जो रिलेशन है, मौलाना रूमी ने फरमाया कि वो रिश्ता शरीर यानी ये बॉडी और आत्मा के जैसा है। मौलाना रूमी का नाम कई मरतबा आप वाइज में सुनते होंगे, पर्शियन के अंदर, ईरान के अंदर वो अपने बहुत सूफी संत हो गए, जैसे पीर सदरुद्दीन हो गए, और उनकी लिखी हुई किताबें जो है वो मशनवी कही जाती है। और सुल्तान मुशा की बहुत ख्वाहिश थी कि इसमें भी ये मशनवी पढ़े और उसका ट्रांसलेशन करने में आए। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब ये लिटरेचर अभी हमारे हाथ में इंग्लिश और गुजराती के अंदर आने का शुरू होगा। गुजराती में शुरू हो गया है और इंग्लिश के अंदर काम चल रहा है लंदन इंस्टीट्यूट के अंदर। तो रूमी कहते हैं कि इमाम और ये पृथ्वी का जो संबंध है वो शरीर और आत्मा के जैसा है। मौलाना रूमी ने कहा कि शरीर में से आत्मा को निकाल लो तो शरीर मर जाएगा, ऐसे इस दुनिया के ऊपर से इमाम को तुम हटा लो तो ये कायनात खत्म हो जाएंगी। और यही बात हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो, सही बुखारी के अंदर ये हदीस देने में आई है। मैंने आज स्टूडेंट्स को बताया कि ये जो हदीस की किताब है सही बुखारी, जिसका नाम है बुखारी, एक बड़े आलिम हो गए थे, उन्होंने हदीसों का कलेक्शन किया नबी साहब की हदीसों का, और ये किताब बनाने में आई, जिसको सुन्नी लोग कुरान के बाद दूसरा दर्जा देते हैं। और हदीस सही बुखारी का कोई आप रेफरेंस उनके सामने रखो तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो बुखारी के अंदर हजरत नबी मोहम्मद की हदीस है कि इमाम अगर दुनिया के ऊपर न होवे तो दुनिया अपने साजो सामान के साथ खत्म और निस्तो नाबूद हो जाए। इमाम मौसम बहार की तरह है। अब दिलदारों, ये इमाम है क्या, ये इमाम है क्या? मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजर इमाम ने 1958 के अंदर, आज ये बात का थोड़ा जिक्र किया था मैंने बच्चों के सामने, जमात में नहीं किया है, शायद आप मेरी जो कैसेट सुने हुए तो दुआ की फिलोसॉफी की इंडिया में मिलती है,
उसमें मैंने काफी डिटेल के अंदर कहा है, लेकिन एक पासिंग रेफरेंस में देता हूं। देखो, मैं जैर जमात से, किंसास जमात से रिक्वेस्ट है मेरी, माशाल्लाह आप कोशिश भी कर रहे हैं और यशुसन कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं ना, हम बड़ों का तो अभी सवाल नहीं है, लेकिन ये आपकी जमात के जो बच्चे हैं, इनकी मजहबी तालीम के तरफ आप सीरियसली जो ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ आप अपना पूरा ख्याल इनके दुनियावी एजुकेशन के पीछे रखेंगे, तो इनका मुस्तकबिल, इनका भविष्य अच्छा नहीं होगा। दुनियावी तौर पे अच्छा हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, लेकिन हाजिर इमाम ने 58 के अंदर एक इतना लड़का, बस इससे भी छोटा होगा 10 साल का, अभी तो वो है कराची में, अमीनाबाद सोसाइटी में रहता है, माशाल्लाह बड़ा आदमी बन गया है, अलवाइज भी है, लेकिन हाजिर इमाम की हुजूर में उसने वायस किया और ईमान के, फेथ के सब्जेक्ट के ऊपर उसने वायस किया 10 मिनट तक उर्दू के अंदर उसने वायस किया, और मौलाना हाजिर इमाम उसकी वायस के बाद उसकी वायस के ऊपर फरमान किए जमात को कि भविष्य नी अंदर तुम्हारा बच्चा हो तमने सवाल करशे कि इमाम शू छे अने ईमान शू छे, इमाम क्या है और फेथ क्या है, शा माटे इमाम ने मानवा जोइए। अगर मावित्रो ए नहीं समझता हशे तो बच्चाओं ने संतोष नहीं आपी सके। मौला फरमाता है कि तुमको सिखाना पड़ेगा, तुमको समझाना पड़ेगा और मावित्र को भी ये सीखना पड़ेगा। फिर हाजरी मां फरमाते हैं कि साची श्रद्धा, साचो फेथ कोने के आए, ये एक नाना बाल अलवाये हमना 10 मिनट नी वायस मा आपने बताड़ियो कि साचो फेथ कोने के आए। अमे फरी पाछू कहिए छे के भविष्य मा तमारा बच्चाओ तमने सवाल करशे। तो मैंने कहा कि ये इमाम है क्या, तो मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम ने इसका खुलासा किया है। हाजिर इमाम ने 65 के अंदर इंग्लैंड के कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, देखो ये बात बैतुल ख्याल की बंगले में कुछ प्राइवेट गैदरिंग के अंदर हाजिर इमाम ने नहीं बताई है, हाँ ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, क्रिश्चियन जर्नलिस्ट थे सब, पत्रकार थे, और वो हजर इमाम को सवाल करते हैं कि हे ज़ाइनेस, तुम तुम्हारे फॉलोवर्स के लिए, तुम्हारे मुरीदों के लिए फेथ, श्रद्धा, श्रद्धा के एक सिंबल है, तुम तुम्हारे मुरीदों के लिए ईमान और श्रद्धा के एक सिंबल है, प्रतीक है, ये क्वेश्चन है। चार जर्नलिस्ट थे, हाजिर इमाम का जवाब सुनो, यस हाँ, इस्माइलियों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है, हाजिर इमाम बताते कि हाँ, अब क्यों है, तो हाजिर इमाम एक्सप्लेन करते हैं, कारण के हमारा दादा पक्षी नूर, पहले अंग्रेजी में हाजिर इमाम नूर वर्ड बोले और फिर एक्सप्लेन करते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नूर, तो हाजिर इमाम फरमाते हैं कि डिवाइन लाइट, मारा दादा पक्षी नूर ए डिवाइन लाइट, दिव्य प्रकाश हमारी अंदर आवियो, अने ए नूर ए डिवाइन लाइट हजरत नबी मोहम्मद की चालतो चालतो वंश परंपरा मारा दादा मा आवियो, अने आजे ए नूर अमारी अंदर जलवागर छे, अने एथी करीने अमे अमारा मुरीदो माटे श्रद्धा अने ईमान ना एक प्रतीक रूप छीए। एथी करीने मौलाना हाजिर इमाम को 65 में पूछने में आया कि तुम इमाम हो, तुम तुम्हारे मुरीदों के लिए श्रद्धा के एक प्रतीक हो, तो मौलाना ने कहा क्यों, मेरे अंदर वो नूर जलवागर है। और एक बात और बता के और फिर मैं आपको कहूं कि नूर जो हम कहते हैं, दिखता है कभी तुमको, अभी सिल्वर जुबिली में आप नेहरू भी गए थे ना दीदार करने, नूर दिखा आपको, नूर ऐसा कुछ मौला बापा पेंडोल में दाखिल हो गए और समझो कि कुछ ऐसा चकमक चकमक होता हो
कि कुछ ऐसा बल्ब जलता हो गए तो बनो सुबिल्ला हाँ ना तो नूर चमकी जाए माँ बाप जी ये मथे मथे नूर है हमको नूर नहीं दिखता है हाँ बोलते हैं माँ बाप जो मोड़ो के मोटो के तो बदोई रौनकदार लगे तो कितना बदोई पावरफुल लगे तो पर नूर तुमको दिखा कभी नूर नहीं दिखा। मौलाना हाजर इमाम ने जो सिल्वर जुबिली की शुरुआत की ने तो पूरे वर्ल्ड के अंदर से आपको पता है ना 49 लीडर्स गए थे टोटली 51 को इन्विटेशन था लेकिन दो जने ईरान वाले नहीं पहुंच सके कुछ रस्ते में ट्रबल आ गई तो अटक गए वो लोग और 11 जुलाई 1957 एक पुराना फोटो तुम्हारे घर में होगा शायद 11 जुलाई 1957 और हाजिर इमाम बैठे हैं गादी के ऊपर और सामने 49 मेंबर्स बैठे हैं 11 जुलाई 1957 और 25 साल के बाद 11 जुलाई और 1982 हाजिर इमाम तखत पे बैठे हैं और सामने 49 मेंबर बैठे हैं 25 साल के बाद और वो जो गैदरिंग मुझे लगता है शायद आपके प्रेसिडेंट भी गए होंगे मुझे पता नहीं है हमारे वहां से तीन जने थे प्रेसिडेंट मुरानी थे स्ट्रेटेजेंट थे वजीर बाबा फर्नीचर वाला थे और मुझे जो ये बात बताई किसने कहा अलवाइस कमालुद्दीन ने लास्ट ईयर में लंदन में था तो मुझे अलवाइस कमालुद्दीन ने कहा कि बाबुल वो सीन 11 तारीख का और वो हाजिर इमाम के हाजिर इमाम का 2 से 3 मिनट का जो रुख जो चेहरा तो ऐसा लगा कि असल सिल्वर जुबिली वो 2.5 मिनट के अंदर हाजिर इमाम ने दिखा दी असल ओरिजिनल सिल्वर जुबिली एक 2 से 2.5 मिनट बोले टाइम का पता नहीं है किसी को 2 गैदरिंग हुई एक गैदरिंग हाजिर इमाम अपनी फैमिली के साथ किए माता सलामत 3 बच्चे अमीन मोहम्मद सजादी यास्मीन और माता ताजुद्दौला वो सब के साथ और सेकंड गैदरिंग जो हुई वो हाजिर इमाम ने फरमाया कि तुम बैठे रहो मैं फैमिली को ऊपर छोड़ के आता हूँ और बोले फैमिली को ऊपर छोड़ने के सब खामोशी से बैठे हैं हॉल के अंदर और उसके फोटोग्राफ भी आए हैं आपने जो देखे हुए तो हमारे फैमिली पेपर में सब छपते हैं फोटो और फिर कमालू कहते हैं कि ऊपर से उतरे हाजिर इमाम लोग सब बात करते थे यानी अच्छी बातें करते थे खुशहाली की तब तो हाजिर इमाम उतरे दादर दिखता है ओल में से और वो हाजिर इमाम का उतरना और अलवायस कमालू ने कहा कि गिनान का वो पाठ जो हम बरसों से सुनते थे कि स्वामी ने तेज नूर ने तेजे अली आगेरो ने स्वामी ने तेजे सामून जुवाए तो वो गिनान का पाठ हम प्रैक्टिकल देखे कि मौला बापा उतर रहे थे और फिर आहिस्ता 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 आए हाजिर इमाम और कुर्सी के पास खड़े रहे और जो पहला जुमला हाजिर इमाम के मुख मुबारक के अंदर से निकला वो इस मुताबिक था 11th July 1982 एट एग्लेमोंड 25 years ago this day close to midday my grandfather passed away bequeathing to me the imamat which was passed over to him by the previous imam. अभी का जो जुमला आता है वो जुमला शुरू हुआ और सबकी आंखें बंद हो गई मुझे अलवाइस कमालुद्दीन ने कहा कि बोले मिशनरी मैं भी तो रोता था लेकिन मैंने ये देखा कि जितने लीडर्स थे इसमें हमारे इंडिया के भी तो ऐसा मुंह को पकड़ लिया था यानी रोने की आवाज ना निकल जाए तो ऐसा मुंह को दबा के रखा था इतना उनको रोना आ रहा था और सबकी आंखें लाल 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 हो गई थी रो के और हाजिर इमाम फरमाते हैं रिप्रेजेंटिंग द नूर ऑफ अली विच टुडे इज इन मी एज आई स्टैंड बिफोर यू नूर ऑफ अली और मुझे तो प्रेसिडेंट साहब ने मौलानी साहब ने यहां तक हम लोग को बताया के बाद में मौलाना हाजिर इमाम ने अपना दस्त मुबारक यहां रखा और मौला ने फरमाया कि आई एम हजरत अली आई एम हजरत और यह सेंटेंस बोले बस दो मिनट खुदा को मालूम लेकिन बोले हाजिर इमाम के चेहरे के ऊपर आंख नहीं मंडे जाती बंद हो जाती नूर ने तेजे अली आगे ए नूर हजरत नबी मोहम्मद की वंश परंपरा चालतू 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 आज अमारी अंदर जलवा जल छे अमारी अंदर
તેને જાણીને તમે ઓળખો શ્રેવો યહી દયાળ હરતા ફરતા અને બોલંતા રૂપ મદન ગોપાલ. મેને ચેન્જ કરકે નહીં બોલા, મેને મદન ગોપાલ બોલા. મદન ગોપાલ શ્રી કૃષ્ણ કા ટાઇટલ હૈ. क्योंकि कई मरतबा कई लोग जो अपन कुछ हिंदू भगवान के नाम लेवे ने तो उनको थोड़ी नफरत आती है कि हाँ मिशनरी अजीज कहीं छोड़ता नहीं झूठ वाणी बधु. लेकिन अगर मेमोरीज ऑफ आगा खान आप पढ़ो, सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसमें क्लियर किया है कि श्री कृष्ण ने राम पर एना समय ना पैगंबर हता. पढ़ा है आपने मेमोरीज, इंग्लिश में भी है और गुजराती में भी है कि कृष्ण अने राम पर एना समय ना पैगंबर हता. હરતા ફરતા ને બોલતા રૂપ મદન ગોપાલ. તો સૈયદ ઇમામ શાહ ને એ મદન ગોપાલ યહાં પર વર્ડ ક્યો બનાયા? તો હમારે જો વડવા થે ને વો હિન્દુ મે સે આયે થે કન્વર્ટ હોકે ઇસ્લામ કે અંદર. તો હમારે વડવાઓ કો ઇમામ શાહ કહેતે હૈ કે દેખો વો બંસી વાલા વો મુગટ વાલા જો હૈ વો અભી ચેન્જ હો ગયા હૈ ઓર વો અભી આ ગયા હૈ દૂસરે લિબાસ કે અંદર. और तुम मत समझना कि वो अलग है, वो मदन गोपाल है. हरता फरता ने बोलनता रूप मदन गोपाल, परतक रूपे अली आविया आपे धरी अवतार, रचना रचावी वासो वसिया आपे जो किरता. मानस रूपे जुगमा आविया अने पूर्ण करवाने का. मैंने आपको कहा कि नूर दिखा, एक लड़का आया बहुत बरस, जैसे आज बच्चे लोग ने सवाल किया ने, बहुत सवाल जवाब हुए आज. ऐसे दरखाना जमात खाने के अंदर बैठा हुआ था, दो चार जने दूसरे से बातें करते थे धर्म के नाम की. एक आया टूडे छोकरा, मिस्टर साहब जोड़ रखो, हमारे वहां दुआ कराते तो कुछ भी मिलता है, चना या स्वीट्स मिलती है, जोड़ चाखो चाखी भाई. हजी तो मुंह में डालने जाता हूं जुड़ा. कैन आई आस्क वन क्वेश्चन मिशनरी साहब? अब आप बोलो ने, मिशनरी आना बनते से में बोलो. પણ એક શરત, તમે મને બેઈમાન નહીં સમજો ને? ના બાપા, બેઈમાન નહીં સમજે. પૂછો. શું પૂછવું છે? વિષ્ણુ સાહેબ, હાજરીમાં ખુદાનું નૂર છે તો અત્યાર સુધી શું માને છે? ના માનું છું, બટ કઈ દિમાગમાં ઉતરતું નથી. કેમ નથી ઉતરતું? નો ને, આજનો જમાનો એવો છે ને કે હવે ખાલી તમે મોઢેથી કહી દો તો પછી આપણે કબૂલ કરી લઈએ. આજે સાયન્સનો જમાનો છે, ધીસ એન્ડ ધેટ એન્ડ વગેરે વગેરે. આઈ વોન્ટ ટુ લોજિકલ પ્રૂફ. અરે ભાઈ, પણ હવે લોજિકલ પ્રૂફ હું ક્યાંથી લાવું કે આમાં નૂર છે? અભી ઇસમે નૂર હૈ, ઇસકે લિયે મેને આપકો કહા કે આપકો દિખા વો નૂર. નહીં કઈ આવી એવું કઈ સારી રીતે કે આપ સમજણ આપો, બાકી આ તમારી હોચપોછ વાતો ના જોઈએ. યા ખુદા, એ ફસાકા મેં ઇધર અભી. ઓકે, સ્વીટ મેરે હાથ મેં થી. મેં કહા ઓકે, આ પેપર મેં તું ખાઈ જા, પાછી આ સ્વીટ તે મને આપી ને જુરાની, એ તું ખાઈ જા. તો યાર તમને આપી છે મેં. હા ભલે મને આપી, પણ હું તને પાછી આપું છું, તું ખા. અત્યારે બેઠ ગયા. હા ખાધી. બોલો હવે જવાબ આપો. હવે જવાબ આપો. જવાબ આપું છું. આ પેપરમિન્ટ ખાધી તો કે હા. કેવી હતી? વોટ ડુ યુ મીન કેવી હતી? કે મીઠી હતી? કેવી શું હતી? મેને કહા હું નથી માનતો, જા તમે ખોટું બોલો છો. તમે એક બોલતા શું ગાંડા વેળા કરો છો? તમે નથી માનતા એટલે શું? મેં કીધું હું એક શરતે માનું, તું મને દેખાડ મીઠાશનું સ્વરૂપ, એનો ફોર્મ દેખાડ. મેરે જેબ મેં દૂસરી સ્વીટ નિકાલા કે લે આ પેપર મેં, બરાબર. હવે તું મને મીઠાશ દેખાડ. તો મેરે બોલતા કે મીઠાશ દેખાય થોડી, ન દેખાય. તો આ પેપર પડી છે મારા હાથમાં કે હા? આ તને દેખાય છે કે હા દેખાય છે? એનો શેપ કેવો છે? તો કે બોલતા હે કે લંબચોરસ છે. અચ્છા, એનો કલર કેવો છે? તો કે રોઝ કલરની છે, ગુલાબી કલરની છે, બરાબર. અને મીઠી પણ છે તો કે અફકોર્સ છે, પણ દેખાય છે તો કે મીઠાશ દેખાતી નથી. તો મીન્સ કે 100 વસ્તુ થઈ એની અંદર, જે બે દેખાય છે ને ત્રીજી દેખાતી નથી. અને ત્રીજી માથું પટકીને મરી જાઓ તમને નહીં દેખાશે. તમે રશિયાના સાયન્ટિસ્ટને લઈ આવો ને તો બી એ પેલો રશિયાનો સાયન્ટિસ્ટ પણ કહેશે કે મીઠાશ તો ન દેખાડી શકાય. તો શું કરશો?
तो के जबान पर राखशु कारण मिठास जोवानी चीज नथी मिठास तो अनुभववानी चीज छे चाखवानी चीज छे मैंने कहा मड़ी गयो जवाब बोले हाँ कहीं समझ आवी मैंने कहा जो हाजर इमाम नो रूप देखाय छे बहु गोरा छे बहु रूपाला छे हाजर इमाम नो आकार देखाय छे 6 फूट नी हाइट छे पर हाजर इमाम नी अंदर जे खुदा नो नूर छे ने ए तने आ आंख से देखाय नहीं जो छे नूर आओ बैतुल ख्याल नी लेबोरेटरी नी अंदर अने पछी एक्सपीरियंस कर के अली ना नूर मार्फते इमामत ना नूर मार्फते तमे ए अल्लाह ना नूर नी नजदीक पहुंचो मौलाना हाजरी मां अमने प्रयोग करवो नथी अमने लेबोरेटरी मां आवू नथी अने अमने प्रूफ जोईए छे के खुदा नो नूर हाजरी मां केवी रीते छे वगैरे वगैरे और इसके लिए अक्सर मैं अर्ज करता हूं और अभी हाजिर इमाम की भी बहुत इच्छा है कि कभी भी नॉन इस्माइली के सामने खसूसन मुसलमानों के सामने एक बेवकूफी मत करो मेहरबानी करके और मत कहो कि हम आगा खान को एज अ गॉड तरीके मानते एज अ खुदा तरीके मानते मत कहो और बच्चे को भी मत सिखाओ जब तक तुम्हारी कैपेसिटी नहीं होगी उसको समझाने की उसको खाली इतना सिखाओ कि इमाम क्या है इमाम क्या है और इमाम का रिश्ता पैगंबर के साथ कैसा है और पैगंबर की अथॉरिटी जो है वो इमाम को कैसे मिली है और बराए करम हाजिर इमाम नहीं चाहता है कि हम ऐसी गैर समझ करते रहे और हमारे लिए इस्माइली मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमानों के जहन के अंदर कोई खराब ख्याल बन जावे हमको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करे अभी तो माशाल्लाह बहुत चेंज आ गया है बहुत परिवर्तन हो गया है लेकिन ऐसी गलतियां अभी अभी नहीं करना क्योंकि अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं मौलाना हाजिर इमाम की जो फ्लेम है उसकी जो सुहास है वो आखिरी दुनिया के अंदर फैलते जाती है आज अभी हमें सब एक्सेप्ट करते हैं आज इमाम क्या है वो दुनिया के लोगों ने जानना शुरू किया है और पता है ये सिलसिला कब से शुरू हुआ मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया था सलवातुल्लाह अलैह मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह आपको मैं देख देख के साथ दूं 1935 जनवरी और 20 तारीख 1935 जनवरी और 20 तारीख और बॉम्बे का दरखाना जमात खाना और सुल्तान मोहम्मद शाह ने दरखाना जमात खाने के अंदर रमजान ईद की नमाज पढ़ाई 20 तारीख को रमजान ईद थी और 82 में आपने दूसरी एक चीज नोट की गई 11 जुलाई को 48 साल के बाद फिर से ये दो प्रसंग साथ में आ गए 48 साल के बाद रमजान ईद और इमामत डे 48 साल के बाद 48 साल पहले यानी 20 जनवरी को इमामत डे और रमजान ईद साथ में आए थे और 48 बरस के बाद अगेन ये दो प्रसंग साथ में आए और हाजिर इमाम के इमामत के 25 बरस पूरे हुए और सुल्तान मोहम्मद शाह ने जो ये फोरकास्ट किया 20 जनवरी को आफ्टर ईद नमाज पढ़ा खुद ने नमाज पढ़ाई ईद की और नमाज पढ़ाने के बाद मुखी से कहते हैं मुखी जमात को कहो कि खामोशी से बैठ जाए हमको एक फरमान करना है और सुल्तान मुशा फरमान करने के लिए खड़े हुए सबसे पहले मुबारक कीजिए ईद की अभी सुनो मौला क्या फरमाते हैं इतना इम्पोर्टेंट फरमान है पीर सबजाली इतमाजी सबजाली बैठे हुए थे उन्होंने फौरन फरमान नोट कर लिया और रात को बैठ के अखे अफ्रीका की जमातों के ऊपर यह फरमान लिख के ने भेजा पोस्ट किया कि इमाम आज हमारा जमात खाना मा मोस्ट इम्पोर्टेंट फरमान करियो छे सुल्तान मुशा फरमाते हैं जगत ऊपर थी अज्ञानता रूपी रात हवे खलास थई छे जगत ऊपर थी अज्ञानता रूपी रात हवे खलास थई छे અને ઇમામે જમાનની ઝહુરાત રૂપી રોશનાઈ હવે શરૂ થશે ઝહુરાત પ્રગટ હોના ઇમામ કા ઇમામે જમાનની ઝહુરાત રૂપી રોશનાઈ હવે શરૂ થશે માટે તમે મને ભૂલી નહીં જતા તમે મને ભૂલી નહીં જતા અને તમારી ઇબાદત તમારી દુઆમાં
जमात खाने नी हाजरी मा तमे मजबूत अने मशगूल रहेजो सलवार पड़ो मने भूली नहीं जता माफ करना आज भूल गए हैं शायद इसका कंटिन्यूशन में आपको बैतुल ख्याल की रविवार की शाम की वायद में दो लेकिन 35 में जो इमाम ने फोरकास्ट किया कि हवे अज्ञानता रूपी रात खलास थती जाए छे अने इमाम ने जहूरात रूपी रोशनी हवे शुरू थशे आप तपासो 35 के बाद सिलसिला शुरू हुआ जहूरात का सबसे पहले गोल्डन जुबिली आई 1936 के अंदर और दुनिया देखते रह गए सोना मा कौन जोखाड़ो तो के आगा खान कहा तो अफ्रीका ने इंडिया दो गोल्डन जुबिली हुई और फिर आया 1945 डायमंड जुबिली फिर आई प्लेटिनम जुबिली मौलाना सरकार सुल्तान मूसा की और शाह करीम हुसैनी हाजरी माम के जोने में आई सिल्वर जुबिली सुल्तान मूसा की सिल्वर जुबिली हमने नहीं मनाई थी सुल्तान मूसा की सिल्वर जुबिली हमने नहीं मनाई थी ये सर्कल यहाँ पूरा हुआ पूरा सिल्वर गोल्डन डायमंड एंड प्लेटिनम और इस 25 साल के अंदर हम देखते हैं कि दुनिया के ऊपर इस्माइली मजहब जो सुल्तान मुशा ने फरमाया 78 बरस पहले बॉम्बे में इंडिया में कि एक दिवस सूरज नी माफक इस्माइली धर्म नी रोशनी आस्ते 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 दुनिया ऊपर पथराई जशे अने जे ईमानदार हशे ए लोको खुश थशे ए लोको राजी थशे लेकिन क्या कहा इस फरमान में तमे मने भूली नहीं जजो अने तमारी दुआ अने बंदगी नी अंदर मजबूत अने मशगूल रहेजो दुआ अने बंदगी नी अंदर और इसमें अगर जो बराबर नहीं रहेंगे ने दीनदारो तो मैं एक जूना फरमान देता हूँ आगा अलीशा दातार का देखो अभी हाजिर इमाम की एक्टिविटीज हाजिर इमाम के जो चेंजेस जमात के अंदर सुधारे वधारे जो हाजिर इमाम लाते हैं बहुत जने एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको इमाम अकॉर्डिंग टू टाइम जो चेंजेस लाता है हमारे धार्मिक क्रिया प्रथा के अंदर दूसरे वगैरह 69 के अंदर जब मौलाना हाजिर इमाम ने ये हमारा इंडिया का नवा बंधारण बनाया उसमें तस्बीह शॉर्ट कर दी दुआ शॉर्ट हो गई दूसरी सब मजलिस से कैंसिल कर दी और बंधारण की बुक बनाने में आई हमारे प्रेसिडेंट ने हर एक मिशनरी को एक एक कॉपी दी और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेजा कि जाओ सब डिस्ट्रिक्ट में जाके हाजिर इमाम का ये नवा बंधारण सुनाओ और जिस दिन ये बंधारण सुनाने में आवे तालीके के साथ नेक्स्ट डे से बोलो कि अमल के अंदर ला दे लेटर भी साथ में और मैं एक डिस्ट्रिक्ट में गया बहुत बड़ी जमात 3000 की जमात और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो था जिसमें के अभी तस्बीह शॉर्ट करने में आई दुआ शॉर्ट करने में आई वगैरह मैंने पढ़ के सुनाया मौला के फरमान के साथ और बाद में दूसरे दिन से मुखी साहब ने शुरू कर दिया मुखी बापा ने शुरू किया ने तो 3-4 जने आए मुखी बापा के पास आफ्टर दुआ जमात खाना ए मुखी याली मदद मौलाली मदद बापा बोलो आ तू कहीं भूल करी छे आजे धार्मिक क्रिया में के केम आ बधु आजे तो आटला टूका में केम पतावी नाख्यो तो के बाबा काले मिश्री साहेबे तमारे सामे वांचन करी बतावी ने तमे सांभळ्यो नहीं अरे के बधा बधा काउंसिलो लखी लखी ने मोकले छे के समझ्यो तू बधु आवु चालू राख हाजिर इमाम नु फरमान बरमान काई नथी अने तू तो काले अमारी सामे अर्धी छड्डी पहेरीने फरतो तो ने हवे थई गयो छे मुखी के ऐसी हा तो मेरे को मुखी साहेब बोलते आने समझाया इनके बड़ी स्टील की खोपड़ी दीनदारो हाँ समझाए तो मैं बुलाया याली मदद बापा मेरे से उम्र के बड़े मोलाली मदद बापा शू छे आ जुओ ने आज तस्बी साहु नानी कढ़ावी आते कई हो कितलू जमात खानू जल्दी छोड़ी नाख्यो ओहो राइट बापा एक बात कहू तमारी उम्र केटली तो के 75 वर्षनी बराबर केटला गेलन आज अपना पेट में गयो हशे केटला गेलन लीटर इमाम नो जे अम्र आव्यो सर्वप्रथम ने तालीको वाँच्यो मौलाना हाजर इमाम नो के आ अमारु बंधारण अमारु फरमान छे अने ए तमने पाळवानुं छे तो तमे एना सामे थशो आ मुखी नो ऑर्डर छे के एसोसिएशन नो ऑर्डर छे के फेडरल काउंसिल नो ऑर्डर छे नहीं आ हाजर इमाम नो फरमान छे अमरते आयो मोरे शाहजी नो
अने हुकम ते मोटियो न जाए, ईमान के तरफ से जो अम्र आता है वो अम्र मोटियो न जाए, पाछो न फरे। आज का जमाना ये है कि अभी इमाम डायरेक्ट फरमान कभी नहीं भी भेजता है, और इमाम एसोसिएशन के थ्रू के काउंसिल के थ्रू फरमान भेजता है, और बहुत टाइम जमा डाउट करती है, शंका करती है कि बड़े पोते जे घर जाए बंधारण बनाई बनाई ने मुक लेता नहीं दीनदारो नहीं, हाजिर इमाम से पास करते हो। और इसी तो बहुत चेंजेस होंगी, बहुत और बहुत रमत करेगा इस जोमे के अंदर, करीम शाह के जोमे के अंदर काफी रमत होगी। एक फरमान में आपको सुनाओ, आगा अली शदातार माँ बाप का मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। यू आगा अली शदातार 47 में इमाम सुल्तान उमुशा के पिताश्री और पीर थे और इमाम भी बने। हसन अली शाह इमाम थे तो अली शाह पीर थे, और बॉम्बे में रह गए 3 महीना 4 महीना 6 महीना, और दरखाने जमात खाने के अंदर दीदार देने को आवे, आधा आधा पौना पौना घंटा फरमान होवे, और खोज की सिंधी भाषा में सब फरमान लिखे ले हैं, वो सब बुक्स मेरे पास है। एक मैंने हॉबी बनाए अपनी लाइफ का फरमान कलेक्शन का, हसन अली शाह के अली शाह से काफी फरमान है, और बहुत फरमान तो ऐसे है कि अभी जमात में दिए भी नहीं जावे, लेकिन कुछ कुछ फरमान जो देने जैसे हैं, इसमें एक फरमान 1881 में अली शदातार माँ बाप ने किया। गौर से समझना, इतना बेहतरीन फरमान है। ए जमातो, अमने ओळखवा ए गणु मुश्किल छे। क्या फरमाते हैं? ए जमातो, अमने ओळखवा ए गणु मुश्किल छे। ए जमातो, शू इमाम हुसैन ना समय मा 72 जना हता? शू इमाम हुसैन ना समय मा 72 जना हता? हिस्ट्री पढ़ी है, इमाम हुसैन के समय में कितने मुरीद थे? खाली 72। इमामत अली से शुरू हुई ना, फिर इमाम हुसैन सेकंड इमाम थे, तो मुरीद कितने होंगे, फॉलोवर? तो अली शाह जमात को फरमाते हैं कि हूं तुमने सवाल करू कि शू इमाम हुसैन ना समय मा फक्त 72 मुरीद होता? नहीं ए जमातो, मुरीदो तो घना बधा हता, घना बधा हता, पण इमाम ने खरा स्वरूप मा ओळखवा वाला फक्त 72 जना ज हता, खरा स्वरूप मा ओळखवा वाला फक्त 72 जना ज हता। अहीं जमातो, तमे ओळखवा वाला थाओ। हजी बाकी है एक पेरेग्राफ, मैं एक पिक्चर रखू आपके सामने, हिस्ट्री का एक पिक्चर तुम्हारी कल्पना में मैं खड़ा करू। हाँ, थोड़ी देर हम पास्ट में जाएं, ख्यालों के अंदर। करबला का मैदान है, देखना ये फरमान की रोशनी में, करबला का मैदान है, और दो पार्टी है, इमाम हुसैन की पार्टी है और एक तरफ यजीद की पार्टी है। अब जो यजीद की पार्टी वाले हैं वो भी इस्माइली थे, उसमें भी इस्माइली है, इमाम को मानने वाले हैं, समझना। और मौलाना इमाम हुसैन नौवीं रात, जो हम नौवीं की मजलिस करते हैं ना, नौवीं रात, और फिर 10वें दिन वोर हुई, 3.5 कलाक की वोर हुई, मौलाना इमाम हुसैन ऊंच के ऊपर बैठे हैं, सब लड़ाई का सामान सजा हुआ है, और मौलाना इमाम हुसैन वो सामने की जो पार्टी है यजीद की, उनमें सवाल करते हैं कि तुम मुझे पहचानते हो? क्वेश्चन, तुम मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? तो सामने से जवाब आता है कि आप इमाम हुसैन हैं। दूसरा सवाल, प्रोफेट मोहम्मद के साथ मेरा क्या रिश्ता है? जवाब आता है, प्रोफेट मोहम्मद आपके ग्रैंडफादर हुए, आपके नाना बापा हुए। मौलाना इमाम हुसैन पूछते हैं, बीबी फातिमा के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो जवाब मिलता है कि बीबी फातिमा तुम्हारी मां हुए। मौलाना इमाम हुसैन पूछते हैं, हजरत अली के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तो जवाब आता है कि हजरत अली आपके पिता होवे। फिर पूछते हैं, ये पागड़ी किसकी है? तो जवाब आता है कि ये पागड़ी हजरत रसूलुल्लाह की है, नबी मोहम्मद की है। फिर पूछते हैं, ये ऊंट किसका है? तो कहा, ये ऊंट भी नबी मोहम्मद का है। फिर पूछा, ये तलवार किसकी है? तो कहते हैं, तलवार मौला मुर्तजा अली की है। फिर पूछते हैं कि तुम कलमा किसका पढ़ते हो? तो कहते हैं, कलमा तुम्हारे नाना का पढ़ते हैं। और फिर इमाम हुसैन पूछते हैं,
कि इतनी बहुत तुम पहचान रखते हो, फिर भी मेरे को मारने को तैयार हो गए हो। इतनी बहुत पहचान रखते हो कि मोहम्मद मेरा नाना है, अली मेरा बाप है, फातिमा मेरी माँ है, मैं रसूल का नवासा हूँ, फिर भी तुम मेरे को मारने को तैयार हुए हो। जवाब नहीं दे। तब इमाम उसे लेटर्स निकालते हैं सब जेब में से, जो लिखे थे इस्माइलियों ने, जो लिखे थे। देखो कैसी पार्टी है, एक वो पार्टी है इमाम हुसैन के साथ कि जिसके दिल में ये तमन्ना है कि क्यारे हुक्म थाए अने इमाम ना नाम ऊपर माथू आपे, और सामने वाली पार्टी है कि कभी ऑर्डर होवे और इमाम का सर उतारे। एक इमाम का सर उतारने को तैयार है और एक इमाम के नाम पे सर देने को तैयार है। अरे इतना तफावत दो इस्माइलियों के अंदर क्यों पड़ गया? अरे जमातों खाली बहुतेर मुरीदो नता मुरीदो घना बजा आता। और फिर इमाम हुसैन कहते कि ये लेटर किसने लिखा था मेरे को? बहुत सारे लेटर थे, आप नूरुल मुबीन पढ़ो हिस्ट्री अपनी। अरे सुल्तान मुशा ने फरमाया दरेक इस्माइलिये एक वक्त नूरन मुबीन इमाम नो इतिहास वाँचवो जुए, 5 बार साल का फरमान है। दरेक इस्माइलिये पढ़ा है आपने? खैर गुजराती नहीं जानते हैं लेकिन इंग्लिश में अभी बन रही है। गुजराती में 2 भाग निकल चुके हैं, इंग्लिश में बन रही है, उर्दू के अंदर बन चुकी है और इंग्लिश का काम चालू है। लेटर बताते हैं आ कमे लिखा जी? तो कहते हैं ना हमने नहीं लिखा है। ओके इमाम हुसैन फरमाते मेरा काम पूरा हो गया, खत्म। अब इतना तफावत क्यों? तो सुनो आज आली शदातार जवाब देते हैं। अरे जमातो इमाम हुसैन ने इमाम कहता हता, छता पोताना इमाम ने शहीद करिया। शामते अरे जमातो कारण के इमाम हुसैन एमनी पासे थी दसोंद लेता हता, इतने इमाम हुसैन ने शहीद करी नाखमा दसोंद लेता है। मिलेगा ये रीजन हिस्ट्री में किधर नहीं मिलेगा करबला का आपको। अशनासी लोग वायस करते हैं 12 दिन तक 10 दिन तक करबला के बारे में, लेकिन ये रीजन असल करबला की वॉर का रीजन अली शाह फरमाते हैं कि इमाम हुसैन एमनी पासे थी दसोंद लेता हता ने इतले एमने शहीद करवामा आव्या। ए जमातो आजे मारी दुश्मनी करवा वाला शाह माटे मारी दुश्मनी करे छे? कारण कि अमे जमात पासे थी दसोंद लईए छे इतले अमारी दुश्मनी करे। वो जने बोलते ने साहेब जा घोड़ा केडा भूखे मरे था बापा बहु पियो आई देवत है। बच्चे नहीं बोलते साहब को पैसे की क्या जरूरत है हमारे पास से लिया करता है। अरे वो विषय तो मैंने बाकी रखा है। लेकिन ये दो जने के अंदर तफावत क्यों आया? तो इमाम हुसैन के साथ जो है ना वो पक्के दसोंदी है, वो पक्के नमाज दुआ पढ़ने वाले हैं, वो पक्के श्रद्धा वाले हैं, और दसोंद और दुआ की वजह से इनका जो श्रद्धा और थर्ड प्रैक्टिकल के अंदर इबादत के अंदर इन्होंने देखा कि इमाम हुसैन के अंदर कौन सी चीज है, कौन सी चीज जलवागर है, और सर कुर्बान करने को तैयार हुए। फिर फरमाते हैं कि जेवनी दुआ दसोन अने इबादत बराबर नहीं होए, आज 4 दिन से मैं अपील करता हूं। और माशाल्लाह मुबारकी है आप जमात को, 4 दिन तो हाजिरी दिखती है। जिंदारो आज सैटरडे वीकेंड था फिर भी शाम को जमात खाने में हाजिरी, सुबह भी हाजिरी होती है, लेकिन और बढ़ाओ और हाजिरी बढ़ाओ। देखो हमारे हाथ में से आस्ते आस्ते निकल रहा है। हाँ मैं कहता हूं आपको अभी हमारे हाथ में से आहिस्ता 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 सटक रहा है।